वो दिन भी क्या दिन थे जब हम यार स्कूल से आते ही पोकेमोन देखा करते थे। सो हे गाइस यार वेलकम बैक। सो दोस्तों आज का यार चारों तरफ यार नेगेटिव माहौल है, तो यार उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जो कि हमारी जुड़ी हुई है पोकेमोन के साथ। यार यानी बचपन से हम पोकेमोन देखते आ रहे हैं, बट यार बहुत सारे लोग बड़े हो गए हैं और पोकेमोन को भूल गए हैं, पोकेमोन से मूव ऑन कर दिए हैं। अरे भाई यार पोकेमोन से आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते, वो हमारे चाइल्डहुड मेमोरीज है जो कि यार हमारे हर लाइफ के मोड पर रहेगी। यस गाइस यार आज मैं आपको टाइम ट्रैवल कराने वाला हूँ और आपको ले जाने वाला हूँ आपके बचपन में। मेरी कुछ यार स्टोरी टाइम में आपको बताऊंगा, मेरी ड्राइंग्स भी आपको बताऊंगा, कुछ यार मैं किस्से बताऊंगा जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं बचपन से। तो भाई साहब यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो अपने आप में पोकेमोन के नए नए गेम्स को इन्वेंट करना हो, या फिर पोकेमोन कार्ड से खेलना हो, या फिर अपनी खुद की पोकेबॉल बनाना हो, हमने बचपन में काफ़ी ऐसे काम किए हैं जिसको अब हम लोग याद करते हैं तो यार बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, यानी कि हम एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इसी कारण की वजह से आज मैं आपको बताऊंगा आपकी बचपन की यादें, आप इसे ज़रूर से रिलेट कर पाओगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ पोकेमोन जो कि हम सब की जुड़ी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार टाइम ट्रैवल करने के लिए मैं डोरेमोन से टाइम मशीन लेके आ गया हूँ, तो आ जाओ टाइम मशीन में, चलते हैं टाइम ट्रैवल करने। बट यार टाइम ट्रैवल की जो ये मशीन है ना ऐसे ऑन नहीं होगी, आपको दो काम करने पड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम टाइम ट्रैवल कर सके। कर दिया? हाँ यार आपने कर ही दिया होगा, ये है निंजा टेक्निक सब्सक्राइब और लाइक पाने की। सो दोस्तों देखो यार सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि पोकेमोन को हम कितना चाहते थे बचपन में। जब पोकेमोन आता था ना हमें सब काम फिनिश करके बैठ जाते थे पोकेमोन देखने के लिए। ये यार कितना इंटरेस्टिंग दिन थे बचपन की, वो यादें जब यार एस मुकाबला करता था हम खुद लोग यार टेंशन में आ जाते थे, अरे भाई एस हार गया, अरे भाई वो हो गया, ये हो गया, एस जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा, अरे यार एस क्यों हार गया इंडिगो लीग, रिची ने कैसे हरा दिया एस को, अरे चाइजार तुमने बात क्यों नहीं मानी, ओ यार चाइजार वैसे मेघमार की क्या बैटल थी। इतनी वो बचपन की यादें कैंटोरिज्म के साथ जुड़ी हुई है ना मैं बता नहीं सकता, यानी कि पोकेमोन बेस्ट माना जाएगा बिकॉज ऑफ कैंटोरिज्म। अगर कैंटोरिज्म ना होता तो हम शायद ही पोकेमोन देख रहे होते। और दोस्तों मुझे अभी भी याद है बचपन में पोकेमोन जो है 1 बजे आता था, 1:30 बजे तक आता था और 1:30 बजे से बेबलेट शुरू हो जाता था। वो भी क्या दिन थे यार, अभी भी याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी कि यार क्या दिन थे यार, मैं शब्दों में यार एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। और दोस्तों अब आती है स्टोरी टाइम की बारी। यस गाइस यार मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइम बताने वाला हूँ जो कि पोकेमोन से रिलेटेड है और मेरा काफ़ी बड़ा पोपट भी हो गया था। यस गाइस यार आपको पता ही होगा पोकेमोन की मूवी आ रही थी म्यूटू का बदला पहली बार इंडिया में, उसको देखने के लिए मैं स्कूल भी नहीं गया था, यानी कि दोस्तों जैसे तैसे करके उस दिन मैं स्कूल ही नहीं गया था। और यार मेरी स्कूल की छुट्टी जो होती है ना वो 2 बजे होती है, यानी कि 2 बजे मैं घर पर आ जाता हूँ और पोकेमोन मूवी जो है 1:30 बजे शुरू होने वाली थी, तो मेरा आधा घंटा का नुकसान ना हो इसी वजह से मैं स्कूल ही नहीं गया था। पर दोस्तों जैसे ही मूवी स्टार्ट होने वाली थी 1:30 बजे, भाई साहब यार पोकेमोन का लोगो वोगो सब कुछ आ गया था, मूवी स्टार्ट भी हो गई थी, 1 मिनट चल भी गई थी, बट यार गेस व्हाट, उसी समय पे लाइट चली गई थी और यार मूवी खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी। ओ यार मेरा इतना बड़ा पोपट हो गया था कि पूछो ही मत। और दोस्तों फिर दोस्तों पता है लाइट कब आई? 2 बजे, जब यार बाकी बच्चे स्कूल से घर पर भी आ गए थे, यानी कि फुल पोपटबाजी, यानी कि हो क्या रहा है, मेरी किस्मत देख रहे हो कितनी ग्रेट है, यानी कि काफ़ी फनी स्टोरी टाइम थी, मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी। और दोस्तों आपको बात याद ही होगी ये पोकेमोन के एपिसोड देखने के बाद यार स्कूल में उसके बारे में बात करना एक अलग ही लेवल होता था, यानी कि थोड़ा सा हम स्मार्ट लगते थे पोकेमोन के बारे में बात करते थे, तो यार काफ़ी अच्छे दिन थे यार वो। और दोस्तों आपको पता ही होगा पोकेमोन के कार्ड्स के साथ खेलना तो एक अलग ही सपना था, वो यार खासकर वो चाइजार का कार्ड जो मिल जाता था ना मज़ा ही मज़ा आ जाता था। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा हम पोकेमोन को कितना पसंद करते थे और हम पोकेमोन की ड्रॉइंग्स भी बनाया करते थे। यस यार मैंने भी काफ़ी सारी ड्रॉइंग बनाई थी, भले यार ड्रॉइंग आती हो या फिर नहीं आती हो बट पोकेमोन के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार थे। और इसी कारण की वजह से मैंने कुछ ड्रॉइंग बनाई थी जैसे कि चाइजार्ड है, ड्रैगनाइट है, हेराक्रोस है, ये ड्रॉइंग्स मैंने बनाई थी। उस टाइम मैं 8 साल का था इसी वजह से ड्रॉइंग इतनी अच्छी बनी नहीं है, अब तो मैं इससे भी बेकार ड्रॉइंग बनाता हूँ यार। बट दोस्तों आप सबको पता चली गया होगा हमारे बचपन की यादें कितनी मीठी थी, यानी कितनी अच्छी, कितनी चुलबुल यादें थी, मैं बता नहीं सकता यार मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त। यार सारी बचपन की यादें मेरे आंखों के सामने आ गई हैं और आंखों में थोड़े बहुत आंसू भी आ गए हैं। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा उस टाइम यार पोकेबॉल मिल जाना काफ़ी बड़ी बात होती थी, और एक बार मैं पोकेबॉल लेके भी आ गया था, बट यार पोकेबॉल को फेंक फेंक के पोकेबॉल को मैंने कचूमर बना दिया था। बट यार फिर क्या यार मैंने बनाया मेरा देसी पोकेबॉल, यानी कि वो खेलने वाली टेनिस की बॉल होती है उसके
ऊपर पेंट वेंट करके मैंने एक पोकेबॉल बना दिया। फिर उसके साथ तो खेलते ही गया यार, मजी आ जाता था। क्या फीलिंग है यार, वो पोकेबॉल मुझे अभी भी याद है और साइड से वो पोकेबॉल मेरे पास अभी भी होगी। मैंने ढूंढने का ट्राई किया पर मुझे ये पोकेबॉल मिली, काफ़ी फनी पोकेबॉल है। बचपन में मैं क्या क्या करता था यार, मुझे अभी भी याद है। और दोस्तों आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा लो कि पोकेमोन का मैं कितना बड़ा फैन था, और इसी कारण की वजह से आज मैंने ये चैनल भी खोला है। और दोस्तों आपको तो याद ही होगा ना कि हम यहाँ पोकेमोन की इमेजिनरी बैटल भी करते थे कि यार दो दोस्त आते थे, दोनों दोस्त मुकाबला करते थे, जाओ चाइजार्ड, जाओ ड्रैगनाइट, नहीं मैं जीता, नहीं तू हारा, कितने फाइट करते थे यार हम लोग। दोस्तों ये थी कुछ यार पोकेमोन की यादें जो कि हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। आपको यार अपने बचपन की यादें आई या फिर नहीं आई कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर से करें, शेयर करनी है ताकि यार जो लोग पोकेमोन को भूल गए हैं, अपने बचपन की यादों को भूल गए हैं, वो यादें उनको वापस आ सके। इसी काम की वजह से आज यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, आपके लिए। आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए या फिर नहीं कर पाए वीडियो मुझे बताएं। और पोकेमोन से दो एंड बाय बाय।